Hello students, I'm Neha Jarayal, assistant professor at Martin Group of Colleges. In this, we are going to discuss on the topic evolution of management thoughts. Let's start. So, development of major management theories. As students, आप लोगों को management concept clear है, I hope. So, with this, अब जो next part है हमारे syllabus का, इसके अंदर we are going to discuss about the different types of management theories. ठीक है, सो हमने मैनेजमेंट की जितनी भी थ्योरीज बनाई गई है हमने उसको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, एंड विद डैट ऑल्सो हम लोगों ने देखना है कि मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है, कि मैनेजमेंट का ये जो कंसेप्ट है किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, कैसे धीरे धीरे इसमें नई नई थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दी, एंड उसी बेसिस से उन्हीं थ्योरीज के बेसिस से मैनेजमेंट में कैसे चेंजेस आए, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म हुए, एंड उन्हीं तरीकों से उन्हीं रेगुलेशंस को यूज़ करके कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं. सो हेयर आप इसके अंदर देख सकते हैं हमारी फाइव टाइप्स हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर हम एडम स्मिथ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे. देन देयर इज़ द क्लासिकल अप्रोच. क्लासिकल अप्रोच के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड वन इज़ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. एंड नेक्स्ट वन इज़ द क्वांटिटेटिव अप्रोच. फोर्थ वन इज़ द बिहेवियरल अप्रोच. उसके अंदर भी हम फर्दर थ्री टाइप्स पढ़ेंगे. एंड द लास्ट वन इज़ द कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस, जिसके अंदर हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोचेस. सो मूविंग फर्दर, हम लोग इस तरीके से भी मैनेजमेंट थ्योरीज को कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, हम अगर टाइम के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करें, सो अप टू दी 20th सेंचुरी, इसको हम प्री मॉडर्न एरा भी बोल सकते हैं. उस टाइम पे हमारे पास ये दो कंट्रीब्यूशन दिए गए थे, एक एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था और एक जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी आई थी उसके कारण कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए, हम वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर. सेकेंड इज इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग टाइम पीरियड में जो कुछ हमारे पास ये डेवलपमेंट हुई थी वो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, और उसको हम बिहेवियरल अप्रोच भी कह सकते हैं, एंड दी क्वांटिटेटिव अप्रोच. एंड लेटर ऑन 20th सेंचुरी में कुछ नई इनोवेशंस हुई, कुछ नई अप्रोचेज और थ्योरीज बनाई गई, और वो टिल डेट तक अभी चल रही हैं, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, और उसके अंदर आ जाती है हमारी द प्रोसेस अप्रोच, द सिस्टम अप्रोच एंड दी कंटिजेंसी अप्रोचेस. सो ये कुछ कंसेप्ट्स और कुछ थ्योरीज है जो धीरे धीरे विद द टाइम पीरियड इवॉल्व हुई और इसी तरीके से हमारी पूरे मैनेजमेंट की एवोल्यूशन हुई है. सो अब हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर हम हमारी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखें, जो कि हमारी 20th सेंचुरी से पहले का टाइम पीरियड, जब एडम स्मिथ ने कॉन्ट्रीब्यूशन दी मैनेजमेंट के लिए. सो बेसिकली एडम स्मिथ ने जो टर्म है जॉब स्पेशलाइजेशन उस टाइम पे नया लेके आए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा या सुनोगे इन फ्यूचर. आप लोग जैसे अभी रिसेंटली मैनेजमेंट स्ट्रीम में आए हो तो आप लोग फर्दर सुनोगे इस टर्म को, जॉब स्पेशलाइजेशन, और जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं. तो ये बेसिक जो टर्म है ये किन्होंने इनोवेट की, कौन लेके आए, दैट इज़ एडम स्मिथ. सो बेसिकली व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, समझिए आप इसको. डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ जॉब इनटू नैरो एंड रिपीटेटिव टास्क. सो बेसिकली लेबर, जो लोग हमारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको काम करना है कैसे सिखाना है हमने, तो उसके अंदर हम उनके जो जॉब को है अच्छे तरीके से स्पेशलाइजेशन करेंगे. मीन्स अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरीके के काम होते हैं, एक सिंगल तरीके का काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, और जब भी वो काम हमको अकम्प्लिश करना होता है हमको स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ को कवर करके उस काम को कंप्लीट करना होता है. तो उन्हीं स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ को हम उस तरीके से प्रोसेस करेंगे, उस तरीके से अरेंज करेंगे, और उनको करने वाले लोग भी अच्छे तरीके से स्पेशलाइज्ड हों, उनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया हो, उसी तरीके से हम लेबर की डिवीजन करते हैं कि जो बंदा जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको वही टास्क दिया जाए एंड उसी तरीके से हम अपना सारा काम करवाएं. इस तरीके से
जो हमारे वर्कर्स हैं वो एफिशिएंटली हम काम करते हैं, और उससे उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनकी आउटपुट है, वो हमको ऑलवेज पॉजिटिव मिलती है। और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली किसको होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को। सो दिस इज़ द कंसेप्ट, द मेन टर्म वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ। नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे आया, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के साथ क्या क्या चेंजेस आए हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में? सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ ओरिजिनेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी इन ग्रेट ब्रिटेन एंड क्रॉस टू द अटलांटिक टू अमेरिका बाय द एंड ऑफ द सिविल वॉर। सो ये वो टाइम पीरियड था 18th सेंचुरी के अराउंड ग्रेट ब्रिटेन में, जिसको हम अभी यूके बोलते हैं और इंग्लैंड कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पर ये रेवोल्यूशन आई। धीरे धीरे ये क्रॉस करती हुई अमेरिका तक भी पहुंची। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में रेवोल्यूशन आया, जो पहले तरीके चल रहे थे उनमें चेंजेस लेके आए। बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन मैन पावर वॉज रैपिडली सब्स्टिट्यूटेड फॉर ह्यूमन पावर, विच मेड इट इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन फैक्ट्रीज। एज अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की बात करें, तब उस टाइम पे मशीन पावर्स, मशीन्स के ऊपर काम ज़्यादा किया जाता था। उस टाइम पे मशीन की पावर ज़्यादा हाई थी और ह्यूमन बीइंग्स को कम कंसीडर किया जाता था। तो तब रेवोल्यूशन जब आई, तो मशीन्स का काम कम करके उसके बीच में ह्यूमंस को इन्वॉल्व किया गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ह्यूमंस को भी काम चाहिए, ह्यूमंस को बीच में लेके आए। एंड उससे जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा है, जो फैक्ट्री चला रहा बंदा या कोई कंपनी चला रहा है, तो उस बंदे को वो क्या हो गया, काम एक इकोनॉमिकल हो गया। मशीन्स में उनको ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ते थे, तो वो एक्सपेंसेस कम होके ह्यूमंस के ऊपर उनको वो थोड़े एक्सपेंसेस मशीन्स के कंपैरिजन कम पड़ते थे। इसीलिए ह्यूमंस को इन्वॉल्व करना उन्होंने शुरू किया, और ह्यूमंस मशीन्स को रेगुलेट करते, ऑपरेट करते, उसी तरीके से काम चलता था। तो इससे ह्यूमंस को भी चांस मिला काम करने का, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, प्लस जो उनके एक्सपेंसेस हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स के, उनके एक्सपेंसेस भी कम हुए इस केस में। विद द डेवलपमेंट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस, अ फॉर्मल थ्योरी टू गाइड मैनेजर्स रनिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वाज नीडेड। एट दैट टाइम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए एक फॉर्मल थ्योरी चाहिए थी, एक फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए थे, किस तरीके से मैनेजमेंट अपनी मैनेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली चला पाएँ। सो ये कुछ चीज़ें थी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई मैनेजमेंट में। सो मूविंग नेक्स्ट, हमने हिस्ट्री पढ़ ली है, अभी हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक अप्रोच। सो ये अप्रोच बेसिकली दी है F.W. Taylor ने, जिसको हम फ्रेडरिक टेलर भी बोल सकते हैं। एंड ये बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसेप्ट वो लेके आए, उनका मेन मोटिव यही था कि वो टास्क, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनके टास्क को लेते हुए, उनके वर्क को लेते हुए, उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जनरेट किए जो कि अल्टीमेटली वर्कर्स को हेल्प करें कि काम को कैसे करना है, उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करें, प्लस इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अच्छे तरीके से वर्क करता है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारा काम जो प्रोडक्शन का है वो स्मूथली चलता है, एफिशिएंटली चलता है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अंडर दिस उन्होंने ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, मैं अभी वही डिस्कस करूँगी। फर्स्ट वन इज़ डिवेल्प अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वर्क विच विल रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मैथड। जो पहले मैथड चल रहे थे उनको रिप्लेस करते हुए उन्होंने काम जैसे जो वर्क है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके काम के ऊपर साइंस बनाई। मींस उनके काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से एनालाइज किया कि एक पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर काम करता है, 8 आवर्स काम करता है, तो उसको काम करने के साथ साथ कितना बीच में रिलैक्सेशन टाइम मिले, कितना उसको लंच के लिए टाइम मिले, कितनी देर उसको रेस्ट के लिए टाइम मिले, एंड उसको प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है वैसा प्रोवाइड हो, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर डिस्कवर की गई कि अगर हमको वर्कर्स से काम लेना है तो वर्कर्स को जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी प्रोवाइड
करनी पड़ेंगी, तभी वर्कर्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेंगे. सो सेकेंड इज साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड ट्रेन टीच एंड डिवेल्प दी वर्कर्स. सो उनका सेकेंड पॉइंट ये था बेसिक कि वर्कर्स की जब हम सिलेक्शन करते हैं उनको अच्छे तरीके से सिलेक्ट किया जाए, सिलेक्शन के टाइम ये ध्यान दिया जाए कि उनकी किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, किस चीज़ में उस पर्सन की स्किल है, उसी स्किल को देखते हुए उसी कैटेगरी में उसको हायर करें. देन उसकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से आगे फर्दर हो, अच्छे से उसको टीच किया जाए एंड फर्दर उसको एक अच्छा वर्कर फिर उसी तरीके से बनाया जाए. तो वर्कर को कैसे नरिश करना है, कैसे एक वर्कर को बनाना है अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड पर्सन, तो वो काम मैनेजमेंट का होगा. तो उनको सिलेक्शन के टाइम ये सब प्रोसेस करने पड़ेंगे. सो तभी वो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम की कर पाएंगे और अच्छे तरीके से वर्कर से काम ले पाएंगे. थर्ड वन इज हार्टली कॉपरेशन विद द वर्कर्स सो एज टू इंश्योर दैट ऑल द वर्कर्स वर्क इज़ डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सो जो वर्कर्स हैं उनके साथ कॉपरेशन अच्छे से हो, जो मैनेजर हैं या जो सुपीरियर्स हैं वो वर्कर्स के साथ कॉपरेशन से काम करें, तभी अच्छे तरीके से काम हो पाएगा. अगर कॉपरेशन नहीं होगी देन वर्कर्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वर्कर्स को समटाइम्स चीज़ें नहीं समझ आती है, तो हमको उनको समझानी पड़ेगी उनके लेवल पे उनकी तरीके से. सो थोड़ा जो बिहेवियर है वो वैसा अच्छे तरीके से हो, कॉपरेशन वाला हो, तभी अच्छे तरीके से काम हो पाएगा. एंड लास्ट वन इज़ डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. सो नेक्स्ट काम उनका क्या था, जो वर्कर्स और जो वर्क और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वली डिवाइड हो. मैनेजमेंट जो सुपीरियर लेवल पे लोग हैं उनको भी इक्वल तरीके से वर्क दिया जाए और जो वर्कर्स हैं उनके तरीके से उनको भी इक्वल लेवल का काम दिया जाए. सो देयर शुड बी इक्वालिटी इन दी वर्क ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट. नेक्स्ट मूविंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट. सो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ के अंदर हमारे पास दो थ्योरीज़ हैं. फर्स्ट थ्योरी इज़ गिवन बाय हेनरी फ्यूल एंड नेक्स्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय मैक्स वेबर. सो मूविंग विद द हेनरी फ्यूल थ्योरी, हेनरी फ्यूल को हम मैनेजमेंट के फादर भी कह सकते हैं. ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट. समटाइम्स आपको ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है एज यू आर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स. सो हेनरी फ्यूल इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट. सो हेनरी फ्यूल ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स वो लेके आए जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेटेड थे, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट से, जिनकी प्रैक्टिसेस से मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम कर सकती थी. सो उन्होंने बेसिक, देखो ये जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड लीड, ये जो मेन चार प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने डिफाइन किए, उन्होंने डिफरेंशिएट किए कि मैनेजमेंट में जब भी काम होगा तो इसी तरीके से होगा. फर्स्टली हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगी, देन उसकी कंट्रोलिंग होगी, एक्शंस लिए जाएंगे एंड उसको प्रॉपर तरीके से लीड किया जाएगा. सो ये जो बेसिक टर्म्स हैं, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स और इनको फंक्शंस हम लोग कह लें मैनेजमेंट के, वो इन्होंने दिए. मूविंग नेक्स्ट, उन्होंने कुछ 14 प्रिंसिपल्स दिए. इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आ सकते हैं. ये कुछ ऐसे 14 टर्म्स उन्होंने डिफाइन किए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन चलते हैं. जब भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो हम इन 14 प्रिंसिपल्स को कंसीडर करते हुए ही कर पाते हैं. तो अभी देखिए आप इसके अंदर, फर्स्ट वन इज़ द डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि एडम स्मिथ में भी दिया है, वही टास्क इसके अंदर आ गया कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में वर्क की प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए, जॉब को अकॉर्डिंगली ही देना चाहिए, जो बंदा जिस तरीके का है उसको सेम तरीके की जॉब ही दी जाए, इसीलिए वर्क एफिशिएंटली होता है. सेकंड इज़ दी अथॉरिटी. तो अथॉरिटी आपको बताया कि वर्क के साथ अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी काम के साथ हर पर्सन को देनी चाहिए जिस तरीके का वो काम कर रहा है. थर्ड वन इज़ द डिसिप्लिन. इसके बारे में आपको पता है कि हमको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन,
ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ वन इज़ द यूनिटी ऑफ कमांड, जो कमांड करने वाला बंदा है वो भी किसी एक हाथ में हो, वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को यूनाइट करके चले, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से चलेगी। फिफ्थ वन इज़ द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्ट करने वाला जो हमारा लीडर है, जो हमको कमांड करने वाला है, वो यूनाइट तरीके से सारे एक्शंस ले। सिक्स वन इज़ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट है, एज़ अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि जो वर्कर्स हैं उनके जो पर्सनल, उनके जो इंटरेस्ट है, जो उनके पर्सनल मोटिव्स है, उनको उन मोटिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के लिंक, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करके काम करना चाहिए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर बंदा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच के काम कर रहा है कि मुझे पैसा कमाना है इसीलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो उस तरीके से काम एफिशिएंटली नहीं होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान के अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मैच करते हुए काम करोगे, तभी अच्छे तरीके से आप एफिशिएंटली काम करोगे। क्योंकि जब आप अपना समझ के किसी चीज़ को काम करोगे, तब आप 100% उसमें अपना अपना बेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द रेमनरेशन, इट इज़ रिलेटेड विद द वेजेस एंड सैलरीज, के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर रेमनरेशन दी जाए उनके टास्क के अकॉर्डिंग, जितना वो परफॉर्म करते हैं। 8th इज़ द सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो कंट्रोल करने वाला बंदा है वो भी एक ही होना चाहिए। ये हमारा 4th और 5th पॉइंट के साथ लिंक करता है। 9th इज़ द स्केलर चेन, ये कंसेप्ट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन पीछे एक ऐसा प्रिंसिपल दिया इन्होंने, हेनरी फ्योल ने, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है हायरार्की, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल से लेके नीचे तक जो लोग काम करते हैं वो कैसा उनका सिस्टम है, वो प्रॉपर हायरार्की डिफाइन होनी चाहिए एक वर्कर को, एक किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम अगर करता है। क्योंकि उसको अगर ये नॉलेज होगी तभी उसको पता होगा कि वो किसके वर्ड रिस्पॉन्सिबल है, उसने अपनी जो भी फीडबैक देनी है, किस बंदे को आगे फर्दर देनी है, और किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की चलती है। सो टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर, ये पूरा कंसेप्ट वर्कर्स को क्लियर हो। नेक्स्ट इज़ दी ऑर्डर, तो ऑर्डर्स जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में चलते हैं ये वो है। 11th वन इज़ दी इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्विटेबल, देयर शुड बी इक्वल इक्वालिटी अमंग एवरीवन, चाहे वो अब मिडल लेवल में काम कर रहा है, टॉप लेवल में काम कर रहा है, चाहे वो वर्कर लेवल पे काम कर रहा है, लोअर लेवल पे कर रहा है, उनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफ्रेंसिएशन। 12th वन इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल मीन्स जितने भी हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके जो टेन्योर है, जो उनका काम करने का टाइम पीरियड है, उसकी भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि ये बंदा कितने समय तक काम कर सकता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं अपनी गवर्नमेंट, इंडिया में आप देखिए हमारी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें टेन्योर डिफाइन होता है, कि अगर हम बैंकिंग की एग्जाम्पल लें या फिर और कोई डिपार्टमेंट की एग्जांपल है, तो उसमें डिफ़ाइन होता है कि इस पर्सन का जो वर्क टेन्योर है वो 60 इयर्स की एज का है, कि ये 60 इयर्स की एज तक बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए हर पर्सन को उसके वर्क के अकॉर्डिंग, और एम्प्लॉयज़ को उनके काम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज़ द इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव ज़रूर होना चाहिए, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन भी लेनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। अगर वो कुछ नया आइडिया इनिशिएट कर रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, तो दैट शुड बी वेलकम बाय द मैनेजमेंट। एंड 4th वन इज़ द स्पिरिट डी कॉप्स, इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में एक ग्रुप है, एक ऐसी मेंबर्स का जो आपस में मिलजुल के काम करें, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो कॉर्डियल हो, स्मूथ हो, उनके बीच में क्लोजनेस हो, फ्रेंडलीनेस हो, तभी वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। नेक्स्ट इज़ दी मैक्स वेबर, सो मैक्स वेबर ने भी थियोरीज डिवेल्प की हैं। मैक्स वेबर ने एक थ्योरी डिवेल्प किया जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करती हैं। सो उन्होंने ये टर्म जनरेट की, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी इज़ दी
आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम ब्यूरोक्रेसी को एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आइडियल टाइप कंसीडर कर सकते हैं कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में अगर चलाना चाहते हैं या चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी उस ऑर्गेनाइजेशन को हम आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का कंसीडर कर सकते हैं। सो आप ये चार्ट देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो डिफाइन कर रहा है कि एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर, वही सेम चीज़ जो हेनरी फोल ने भी डिफ़ाइन की थी और जो एडम स्मिथ ने भी डिफ़ाइन की थी, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो टास्क है, जॉब्स है, वो सिंपल तरीके से स्मॉल स्मॉल टास्क में जॉब्स को डिफ़ाइन करना चाहिए, सो दैट कि जो वर्कर्स हैं उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो काम कर पाएँ, तभी वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ दी अथॉरिटी हायरार्की, ये सेम चीज़ अब हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, हेनरी फोल में उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफ़ाइन होनी चाहिए कि ये बंदा किस पर्सन को ऑथराइज्ड है। ठीक है, मेरे बॉस हैं, उन्होंने मेरे को अगर कोई अथॉरिटी दी है तो इट मींस मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उनको फर्दर, जो उन्होंने मेरे को काम दिया था, उनको ऑथराइज़ करूं कि हाँ भाई मैं आपका काम पूरा करवा के दूंगा, और जब करवा भी दूंगा उसके बाद भी उनको उसका फीडबैक दूंगा। नेक्स्ट इज़ इसको हम हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर देखें, वही चीज़ कि अगर हम लेवल देखें, टॉप टू बॉटम, टॉप टू मिडल और मिडल टू लोअर, सो इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की चलती है। ये सेम चीज़ अभी पीछे भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इज़ दी फॉर्मल सिलेक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी सिलेक्शन होती है, लोगों का सिलेक्शन होता है, तो उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे हो कि वो किस चीज़ में टेक्निकली स्किल्ड है, उसी तरीके से उस बंदे को हायर किया जाए उसी डिपार्टमेंट के लिए, एंड उसी डिपार्टमेंट में ही उसको देन जॉब के लिए पोस्ट किया जाए। नेक्स्ट इज़ दी फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे तरीके से रिटन में हो और पूरा ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर चीज़ उसमें डिफाइन हो, जिससे हर एक बंदे को क्लैरिटी हो कि ऑर्गेनाइजेशंस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, और इवन उनका जो पर्सनल टास्क है उसको किस तरीके से हमने ऑपरेट करना है, किस तरीके से चलाना है, वो पूरा प्रोसीजर हर चीज़ उसके अंदर मेंशन हो, तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना मस्ट है। नेक्स्ट इज़ दी इम्पर्सनैलिटी, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड कंट्रोल्स नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, सो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एज हमने पीछे डिस्कस किया होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन बने होने चाहिए, तो उनकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, वो प्रॉपर तरीके से हों। ये ना हो कि हमने अपने अकॉर्डिंग, अगर मैनेजर को लग रहा है कि कुछ चेंजेस चाहिए, यहाँ पे लोग ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेंज कर दूँ तो वो चेंज नहीं होंगे, तो उसी तरीके से काम चलना चाहिए जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट डिफाइन है। एंड लास्ट वन इज़ दी कैरियर ओरिएंटेशन, तो इसके अंदर क्या है, जो मैनेजर्स हैं, हम मैनेजर्स आर दी कैरियर प्रोफेशनल्स नॉट ऑनर्स ऑफ यूनिट दे मैनेज, तो बेसिकली मैनेजर्स को हम मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करके सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेके आगे कहाँ तक पहुँचाते हैं, नीचे लोअर लेवल तक, तो जो टास्क उनको, जो स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट की होती है, वो टॉप मैनेजमेंट पहले मैनेजर्स को बताती है, देन वही चीज़ आगे मैनेजर्स जो वर्कर्स हैं उनकी लेमैन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनको समझाते हैं। तो बेसिकली इसमें मेन रोल किनका है, मैनेजर्स का। मैनेजर ही अच्छे तरीके से अगर चीज़ों को मैनेज करेंगे तभी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा। तो मैनेजर का मेन रोल क्या है, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके कैरियर को डेवलप करना, उनको अच्छे तरीके से नरिश करना, अच्छे तरीके से लीड करना, उनको डायरेक्ट करना, हर चीज़ काम करवाना, किसका काम है, मैनेजर का है। सो दीज वर दी पॉइंट्स अंडर द ब्यूरोक्रेसी। सो विद दिस हम आज दो थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं, एक तो प्री मॉडर्न एरा हमने डिस्कस कर लिया, एंड जो हमारा फर्दर जो टाइम पीरियड था 20th सेंचुरी में, हमने दो थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं। तो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड हेयर, इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अदर थ्योरीज। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दी टुडे।